सिंगर के कुन्नाथ के निधन होने के बाद गुरुवार को उनका अंतिम संस्कार मुंबई के वर्सोवा शमशान घाट में किया। इस दौरान के परिजन, बॉलीवुड के सितारे और उनके चाहने वाले मौजूद। उधर सीबीआई ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख और उनके निजी सहायक संजीव पलांडे और शिंदे के खिलाफ 59 पन्नों का आरोप पत्र दायर। तो वहीं महाराष्ट्र सरकार ने शराब की होम डिलीवरी बंद करने का ऐलान। उप मुख्यमंत्री अजित पवार की माने तो कोरोना केस कम होने के बाद होम डिलीवरी बंद की जा रही है। उधर मानसूनी बारिश के पहले मुंबई के अधिकांश नालों की साफ सफाई का काम पूरा कर लिया गया। साथ ही 102 स्पॉट ऐसे चिन्हित किए गए जहाँ भारी बारिश की स्थिति में पानी जमा हो सकता है। गायक के उर्फ कृष्ण कुमार कुन्नाथ का गुरुवार को वर्सोवा स्थित शमशान घाट में अंतिम संस्कार किया गया। पत्नी, रिश्तेदार सहित बॉलीवुड की हस्तियों ने सिंगर केके को अंतिम विदाई दी। इससे पहले उनके पार्थिव शरीर को सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 12:30 बजे तक अंतिम दर्शन के लिए रखा गया था। उधर केके का पीएम करने वाले डॉक्टरों ने कहा कि उनके शरीर में कंसर्ट के दौरान एक्साइटेड होने के कारण दिल में 80 से ज्यादा ब्लॉकेज हो गए थे, जिसके कारण उनकी जान चली। अगर समय रहते उन्हें तुरंत CPR दिया जाता तो शायद उनकी जान बच सकती। वो गाता रहा, मेहनत करता रहा, लगा रहा, और सबके साथ, हर कंपोजर के साथ, हर म्यूजिशियन के साथ उसका बिहेवियर जो था बहुत कमाल था। इसलिए पूरी इंडस्ट्री उसको प्यार करती थी, इंडस्ट्री ने उसको अपनाया था और अच्छे अच्छे गाने उसने गाए। और अच्छे उसकी नीयत इतनी अच्छी थी कि उसके सारे गाने हिट हुए, उसमें जरा भी खोट नहीं थी। लेकिन जिस तरीके से गया है, मुझे लगता है कि ये हमारे लिए बहुत बहुत बड़ा लॉस है, बहुत बड़ी CBI ने भ्रष्टाचार के मामले में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख और उनके अन्य सचिव संजीव पलांडे, कुंदन शिंदे के खिलाफ मुंबई जिला अदालत में 59 पन्नों का आरोप पत्र दायर किया है। बता दें, अप्रैल में देशमुख, पलांडे और शिंदे को 100 करोड़ रुपए की रिश्वत मामले में गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद इस मामले में पुलिस अधिकारी सचिन वाजे को सरकारी गवाह बनाया गया है। महाराष्ट्र में मानसूनी बारिश से कुछ दिन ही शेष है। इसके पहले BMC ने राजधानी के नाले और नालियों का सफाई का काम लगभग पूरा कर। BMC ने कहा कि 102 ऐसे स्पॉट चिन्हित किए गए जहां अभी भी बारिश के दौरान पानी जमा हो सकता है। BMC ने अधिकृत तौर पर कहा कि मुंबई के 105 गटर और नालों की सफाई का काम लगभग पूरा कर लिया गया है। वहीं मुंबई में किसी भी बड़ी घटना से निपटने के लिए आपात बल भी तैनात किया गया। BMC ने कहा कि मीठी नदी का 2-3% काम बाकी है, लेकिन वह भी जल्द खत्म हो जाएगा। फिलहाल नालों की सफाई के दौरान जो कचरा निकला था उसे डंपिंग ग्राउंड में भेजने की प्रक्रिया चल रही है।